तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। ये संसार सब त्याग देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सारा संसार मतलब का केवल जो मिल रहा है हमें, लूटने वाला ही मिल रहा है। जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया उस दिन से लूट रहे हो, उस दिन से लूटे जा रहे हो। सब कोई मिलकर हमारा समय लूटे जा रहे हैं और वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सब लूटे चले गए। संपूर्ण तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी जरा जाके चाय बना दो, तो शरीर अच्छा है जाओ जरा रोटी बना दो, तो जाओ जरा ये कर आओ तो। और बीमार पड़ गए ज्यादा दिन तक, दो चार दिन तुम्हारी बीमारी के तो कोई भी झेल लेगा नहीं, आठ दिन तक तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 15-20 दिन तक जब पलंग पे पड़ जाओगे कौन झेलेगा। अब तो सब एक ही कामना करेंगे, बाबा अब इनसे बन नहीं रिया, मुंडा से आवाज नहीं निकल रही, आंखों से दिखाई नहीं दे रिया, अब पानी घुटका नहीं रिया, अब तो भगवान से के भगवान कहीं कर दो। महाराज जी के फोन लगा के पूछा गीता जी का कौन सा अध्याय सुना तू कि डोकरी निपट जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या करें, गीता जी का अध्याय सुना दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दी, गाय दान कर दी, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, इसके बाद भी प्राण नहीं छूटे, चार बार तो नीचे सुला दिया गोबर लीप के, वापिस डोकरी ठीक हो ही गई, सांस फिर चलने लगी, फिर ऊपर सुलाने दो चार महीना बाद फिर नीचे, ये समझ में नहीं आए। अब इनका करें क्या, कौन करेगा, जब तक 8 दिन 15 दिन तो कोई भी तुम्हारी सेवा कर लेगा, इसके बाद कौन करेगा, कौन करने आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई नहीं आएगा, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बस कोई आए ना आए, अगर ज्यादा दिन तक पटक भी दिया तो बाबा कहेगा इसने मुझे सावन का महीना में खूब लोटा भर भर के पानी चढ़ाया, इन्हें खूब दही मला मेरे ऊपर ने, सेहद मला ने, घी मला, खूब बेलपत्री तोड़ तोड़ के लाई ने, दूसरा का घर का फूल तोड़ तोड़ के मारे चढ़ाया। देख लेती थी उसका दरवाजा बंद है तो फूल तोड़ के ले आती थी, खूब लाई खूब चढ़ाया, चिंता मत कर। शंकर जी कहते हैं अब तेरे परिवार वाले अगर तेरी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारी घरवाली कहीं करेगी, पार्वती जी क्या करेगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पास में रखा ही क्यों, पार्वती को फ्री रखा है शंकर जी ने, सबसे फ्री माता माता पार्वती, रोटी बनाने का टेंशन नहीं क्योंकि शंकर जी उतना खाए ही नहीं, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। बस उनने तो दो टिक्कड़ सेकी चूल्हा में डाली, भून के बाहर आई, ने दोच के पीस के उसका चूरमा बनाया, उमे गुड़ मिलाया, कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, कपड़े ही नहीं है तो धोवा क्या,
कितनी फ्री रखा भगवान ने पार्वती जी के, न रोटी का टेंशन न कपड़ा का टेंशन। पार्वती जी को कहीं पानी भरने भी नहीं जाना क्योंकि ऊपर से गंगा नित्य बह रही, बेबी टेंशन। कहीं मिलने जाने की जरूरत है ही नहीं, कहां मिलने जाए, शमशान में बैठे हैं अपन तो यहीं बैठे रहो, एक ना एक दिन तो मिलने यहीं आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा, तो मिलने भी नहीं। फ्री, शंकर जी बोले मैंने पार्वती को फ्री रखा है, उसका कारण केवल इतना सा है कि जब जिंदगी में तुम मेरी सेवा करते करते थक जाओगे, जब ये शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तब मेरी पार्वती तुम्हारी सेवा करने के लिए दौड़ कर आ जाएगी, मेरी पार्वती मेरी जननी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम चिंता ना करिएगा। पहले तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते रहना, भगवान एक कृपा कर कर रखना, अंतिम समय तक महारा या पांव चलाते रहिए ना, ये शरीर चलाते रहना, बस इतनी कृपा करके रखना कि शरीर से मैं दौड़ दौड़ कर कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाऊं, ने कथा सुनियाऊं, ने भजन कर लूं, ने कीर्तन कर लूं, ने नाम जाप कर लूं, इस शरीर को ऐसा बना कर रखना। ये शरीर पटक मत देना तू पलंग के ऊपर, कहीं ले जाकर खटिया पे पलंग पर पटक देगा कौन करेगा। इसलिए भोलेनाथ जी से कहना, प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है निरोगी काया, मेरे को निरोग बना कर रखना, शरीर अच्छा रखना, तो मैं भजन कर सकूंगी, स्मरण कर सकूंगी। प्रथम सुख है निरोगी,